नमस्कार। फिटनेस योगा में आज फिर आपका स्वागत है एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको सबको जरूरत है। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं रहना चाहता। कमजोर व्यक्ति का इस दुनिया में जीना बेकार है। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबा लेता है, चाहे वो किसी संस्थान में काम करता है, चाहे कहीं और भी, कहीं भी रहे, किसी कार्य में रहे, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो हमें कमजोर नहीं बनना, अपने को ताकतवर मजबूत बनाना है, चाहे उम्र कोई भी हो, अपने को हर हाल में मजबूत रखना है, मजबूत बनाना है, मन से और तन से भी। जो व्यक्ति मन से मजबूत होता है उसके बाद तन से मजबूत भी हो जाता है। तो मन से मजबूत करने के लिए हमें कुछ योग एक्सरसाइज, योग क्रियाओं में प्रमुख सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है और इसमें ज़्यादा हमें जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। मात्र 6x3 फुट की जगह सफिशियंट है सूर्य नमस्कार के लिए। और 12 सूर्य नमस्कार जो व्यक्ति कर लेता है उसका स्टेमिना घोड़े की तरह मजबूत हो जाता है। जैसे किसी भी ताकत को हम हॉर्स पावर से नापते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी घोड़े की तरह ताकत, उसकी तरह मजबूत बन सकते हैं हम। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता अगर उसको खान पान और एक उसका लाइफस्टाइल ठीक रहे। अब घोड़ा खाता क्या है? घोड़ा खाता है चना, देसी चना। जी हाँ, डॉलर चना नहीं, मोटा चना नहीं, देसी चना। देसी चना आप भी प्रातः उठ कर के फ्रेश होकर के नहा धोकर के आधी मुट्ठी चना भिगो दें रात को और सुबह उसको चबा चबा करके खाएं। आप देखेंगे आपके अंदर भरपूर जोश ताकत आ जाएगी। हाँ, कुछ सावधानियां हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन मैं सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जिनको स्टेमिना चाहिए, जिनको ताकत चाहिए, वो ले सकते हैं। हर तरह का जोश चने के अंदर है। नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स भी घोड़े की पसंदीदा चीज है। ओट्स जिसको जई कहते हैं, जई से ओट्स बनते हैं। जई में बहुत ताकत होती है। तो आप अच्छी चीजें खाएं, फास्ट फूड्स को अवॉइड करें, आपके अंदर ताकत भरपूर, आपका स्टेमिना मजबूत होगा। खान पान के साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल को, सुबह जल्दी उठना, थोड़े से प्राणायाम करना और डीप ब्रीदिंग तो आप जब मर्जी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं वैसे श्वास को लेना, मजबूत फेफड़े हो जाते हैं। और कुछ अपने शरीर के अनुसार एक्सरसाइज करें। दौड़ सकते हैं सुबह सुबह आप 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी दौड़ सकते हैं। जगह नहीं है तो आप घर पे ही थोड़ा सा योगिंग जॉगिंग कर सकते हैं। और नहीं तो फास्ट चलें अगर आपको कोई समस्या तो। फिजिकल एक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए। आजकल हम ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, तो किसी भी उम्र का व्यक्ति है, फिजिकल एक्टिविटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप को ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने बच्चों को करवाएं, महिलाएं पुरुष सभी करें। कोई भी कमज़ोर नहीं होता
अपने मन से कमज़ोर होते हैं, और इसके लिए आप एक मैं बताता हूँ आपको, वक्ष विकाशक दंड। तो आइए हम करते हैं वक्ष विकाशक दंड। तो आइए करते हैं वक्ष विकाशक दंड। इसको 10 बार 20 बार जितना भी आप कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। तो ये था वक्ष विकाशक दंड। दोनों हाथों को पहले यूं खोल लें, डिप्स जिसको बोलते हैं, फिर दोनों हाथ बाहर की तरफ करके डिप्स लगाएं, फिर दोनों हाथ आगे की ओर, तो ये सीना हमारा फूलेगा, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, और उम्र कोई भी हो, आदमी मन से बूढ़ा होता है, उसको मन से लोग कहने लग जाते हैं अब तो रिटायर हो गया, लेकिन अगर आप मेंटेन रखते हो, खान पान अच्छा रखते हो, तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा रह सकता है। आप किसी से भी कम नहीं हैं, अपने को किसी से कम ना किए। तो ये था आज का एक टॉपिक, घोड़े जैसी शक्ति हमारे अंदर आ सकती है। एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज यथाशक्ति जितना आपका शरीर कहना करता है अपने को मजबूत बनाने के लिए, उसके साथ साथ कुछ खान पान की चीज़ें हम ले लें। 100 ग्राम आंवला पाउडर आप ले आए अंसारी से, उसको पीस लें, और 50 ग्राम अश्वगंधा उसका भी पाउडर बना लें, 50 ग्राम सहजने का गोंद मोरिंगा, इन तीनों को अलग अलग पीस करके मिक्स कर लीजिए। आधा चम्मच सुबह खाली पेट आप पानी से ले सकते हैं, गुनगुने पानी से। और इसके अलावा एक होम्योपैथी की दवा आती है जिंको बाइलोबा, ये देखिए, जिंको बाइलोबा क्यू मदर टिंचर आता है, इसकी भी आप 10-10 स्पून सुबह शाम पानी के एक कप पानी में ले सकते हैं, ये भी आपको फायदेमंद रहेगी। जवान या जितने भी उम्र के लोग हैं इसको ले सकते हैं, तो आपका स्टेमिना कायम रहेगा। अगर हमारी बातों से कोई फायदा होता है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिले। और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। तो चलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। मैं योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।